नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है बिल्कुल एक लेटेस्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट के साथ। और ये रिक्रूटमेंट आई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, टीचर्स की रिक्रूटमेंट है और इसमें शामिल है असिस्टेंट टीचर की वैकेंसियां हैं, ड्राइंग टीचर की है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की है और बालवाड़ी टीचर की वैकेंसियां भी इसमें शामिल है। और इन सभी पोस्टों के लिए जो आयु सीमा है, मैक्सिमम जो एज है वो 40 साल तक आपकी हो सकती है और आपको ऑनलाइन मोड में इन पदों के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि है वो है 24/5/2019। तो ठीक है दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट के बारे में हम डिटेल से बात करें उससे पहले एक बात और, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टीचर्स की रिक्रूटमेंट कहीं पे भी आए ऑल ओवर इंडिया में हम आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जारी किया गया है कंटोनमेंट बोर्ड देवलाली की तरफ से। एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, एंगेजमेंट ऑन टेम्पररी एंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पोस्ट ऑफ टीचिंग स्टाफ फॉर कंटोनमेंट बोर्ड स्कूल ऑन फिक्स पेमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 11 मंथ। तो दोस्तों ये रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की है, सिर्फ 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे है और इसमें जो सैलरी दी जाएगी वो बिल्कुल फिक्स है। और ये कहाँ के लिए है देखिए, एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन सिस्टम ओनली, सिर्फ ऑनलाइन मोड में आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड for eligible Indian citizen candidates for the under mentioned post in cantonment board Devlali cantonment डिस्ट्रिक्ट नासिक महाराष्ट्र की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई है और प्योरली टेम्पररी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की रिक्रूटमेंट है। सबसे पहले इसके लिए वैकेंसी है असिस्टेंट टीचर की और ये जो रिक्रूटमेंट है ये कंटोनमेंट बोर्ड प्राइमरी स्कूल मराठी मीडियम फॉर स्टूडेंट 1st to 4th, इसके लिए आपके पास होनी चाहिए HSC DEd मराठी। 6 वैकेंसियां हैं, 19,360 रुपए सैलरी मिलेगी। इसके बाद है असिस्टेंट टीचर कंटोनमेंट बोर्ड हाई स्कूल मराठी मीडियम, ये भी मराठी मीडियम की है, BSc बीएड मैथ और साइंस में आपके पास होनी चाहिए। इसके लिए 2 पोस्ट है, 32,912 सैलरी मिलेगी। असिस्टेंट टीचर कंटोनमेंट बोर्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल फॉर स्टैंडर्ड 5th to 10th, तो ये इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए है। असिस्टेंट टीचर की वैकेंसियां BSc MSc बीएड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इन सभी के लिए 1 पोस्ट है, तो टोटल ये 3 पोस्ट है। इसके बाद BA MA BEd इंग्लिश की 1 पोस्ट है, सोशल साइंस की 2 पोस्ट है, कुल ये है 3 पोस्ट। इन के लिए सैलरी है 32,912 रुपए। MA BPEd हिंदी और मराठी, एक सैलरी है 32,912 सैलरी है और अप टू 40 ईयर। इन सभी के लिए जो आयु है मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए। ड्राइंग टीचर के लिए है कंटोनमेंट बोर्ड हाई स्कूल मराठी मीडियम स्टैंडर्ड 5th to 10th ATD और AM, सैलरी 19,360, पोस्ट है। एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर कंटेनमेंट बोर्ड हाई स्कूल एंड प्राइमरी स्कूल के लिए ग्रेजुएट एंड MSc IT होना आप चाहिए आपके पास। 4 पोस्ट है, 17,182 सैलरी मिलेगी। बालवाड़ी टीचर बालवाड़ी मराठी मीडियम रन बाय कंटोनमेंट बोर्ड इन वेरियस एरियाज ऑफ कंटोनमेंट, तो इसके लिए सैलरी निर्धारित की गई 13,890 और पोस्ट है 8। SSC एंड मोन्टेसरी कोर्स ऑफ 6 मंथ पास, तो ये आपके पास होना चाहिए। मेन मेन डेट्स दे दी गई हैं, कमेंसिंग डेट है 22/4/2019, 22 अप्रैल से इनका ऑनलाइन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। अंतिम तिथि है 24/5/2019 और लास्ट डेट है एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेने की 31/5/2019। डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड वेबसाइट या पोर्टल पे आपको जारी कर दिए जाएंगे, डेट भी बता दी जाएगी कब ये जारी किए जाने हैं। इसके बाद है एडमिट कार्ड का लेटर फॉर रिटन टेस्ट, एप्लीकेशन विल बी स्क्रूटनाइज्ड एंड ओनली एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड ऑनलाइन एट वेबसाइट पोर्टल जो कि है कंटोनमेंट बोर्ड रिक्रूट .org अबाउट द डेट टाइम एंड वेन्यू फॉर कंडक्ट ऑफ रिटन टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन टेस्ट। फर्दर द एडमिट कार्ड विल बी जनरेटेड ऑनलाइन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट विच कैन बी डाउनलोडेड बाय द कैंडिडेट। तो दोस्तों इसका जो एडमिट कार्ड है वो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जारी किया जाएगा और सभी कैंडिडेट्स को नहीं बुलाया जाएगा, इसमें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उसके बाद शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को रिटर्न टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता ही चुका हूँ, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, द कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस एटसेट्रा एट स्टिपुलेटेड इन दिस एडवर्टाइजमेंट। कुछ फिर जनरल कंडीशंस आपको दी गई हैं, ये भी आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। तो बाकी मेन मेन इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। अप्लाई कहाँ करना है, अप्लाई करने के लिए ये देखिए कंटोनमेंट बोर्ड का रिक्रूटमेंट पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे आके आप अप्लाई कर सकते हैं इन पदों के लिए। तो ठीक है दोस्तों, मेन मेन सारी इन्फॉर्मेशन इससे जुड़ी हुई मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है वीडियो के माध्यम से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, बाकी इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।